दोस्तों बिग बॉस ऑलरेडी के लाइव फीड में इस समय घर के अंदर वाकई काफी मजेदार सीन देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूजा भर जो है उसको इतनी बड़ी गलतफहमी है कि आपको भी हंसी आ जाएगी। दरअसल दोस्तों घर के अंदर बिग बॉस ने टास्क का जो नतीजा है वो घर वालों को बता दिया है, और घर वालों को बता दिया कि जनता जो है पूजा भट्ट के फैसले से, पूजा भट्ट की जो कास्टिंग थी उसके फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और ये चीज़ सुनकर यहाँ पर फुकरा इंसान एल्विस और मनीषा रानी ने अपनी जीत की खुशियाँ मनाई, तो दूसरी ओर पूजा भट्ट का मुंह देखने लायक था। और इस दौरान पूजा भट्ट की जो गलतफहमी है वो ये है कि जनता को शायद मेरा जो बेबिका को विलन बनाना था वो पसंद नहीं आया होगा। और यहाँ पर मनीषा रानी ने बेबिका के सामने ही पूजा भट्ट की धज्जियाँ उड़ाकर रख दी है, और पूजा भट्ट को कहा कि आगे से ध्यान रखना मैडम, अपना नज़रिया भी बदल लीजिए आप, क्योंकि मुझे पहले से विश्वास था कि जनता आपके फैसले से डिसएग्री ही करेगी, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि घर के अंदर विलन कौन है और घर के अंदर हीरोइन कौन है, आपका फैसला बिल्कुल गलत है। लेकिन पूजा भट्ट अपनी गलती मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। पूजा भट्ट को अभी भी यही गलत फहमी है कि उसका फैसला बिल्कुल सही है, जनता को केवल जो बेबिका वाला है, बेबिका जनता को हीरोइन लगती है। जी हाँ दोस्तों, इसी फैसले पर पूजा भट्ट अड़ी हुई है और अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। वाकई पूजा भट्ट मान गए आपकी गलतफहमी कितनी बड़ी है। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे आप पूजा भट्ट की इन गलतफहमियों पर, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप भी मनीषा रानी, फुकरा इंसान और एल्विस के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बिग बॉस की हर अपडेट आप तक पहुँचे सबसे पहले।